यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 44। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 44। फिर वह मुझे पवित्र स्थान के ऊपरी फाटक के पास लौटा ले गया जो पूर्वमुखी है, और वह बंद था। तब यहोवा ने मुझसे कहा, यह फाटक बंद रहे और खोला न जाए, कोई इससे भी होकर भीतर जाने न पाए, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इससे होकर भीतर आया है, इस कारण यह बंद रहे। केवल प्रधान ही प्रधान होने के कारण मेरे सामने भोजन करने को वहां बैठेगा, वह फाटक के ओसारे से होकर भीतर जाए और इसी से होकर निकले। फिर वह उत्तरी फाटक के पास होकर मुझे भवन के सामने ले गया। तब मैंने देखा कि यहोवा का भवन यहोवा के तेज से भर गया है, और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। तब यहोवा ने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ध्यान देकर अपनी आंखों से देख, और जो कुछ मैं तुझसे अपने भवन की सब विधियों और नियमों के विषय में कहूं, वह सब अपने कानों से सुन, और भवन के पैठाव और पवित्र स्थान के सब निकासों पर ध्यान दे, और उन बलवायु अर्थात इस्राएल के घराने से कहना, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हे इस्राएल के घराने, अपने सब घृणित कामों से अब हाथ उठा। जब तुम मेरा भोजन अर्थात चर्बी और लोहू चढ़ाते थे, तब तुम बिराने लोगों को, जो मन और तन दोनों के खतनाहीन थे, मेरे पवित्र स्थान में आने देते थे कि वे मेरा भवन अपवित्र करे, और उन्होंने मेरी वाचा को तोड़ दिया, जिससे तुम्हारे सब घृणित काम बढ़ गए, और तुमने मेरी पवित्र वस्तुओं की रक्षा न की, परंतु तुमने अपने ही मन से अन्य लोगों को मेरे पवित्र स्थान में मेरी वस्तुओं की रक्षा करने वाले ठहराया। इसलिए परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि इस्राएलियों के बीच जितने अन्य लोग हो जो मन और तन दोनों के खतनाहीन हैं, उनमें से कोई मेरे पवित्र स्थान में न आने पाए, परंतु लेवीय लोग जो उस समय मुझसे दूर हो गए थे जब इस्राएल लोग मुझे छोड़कर अपनी मूर्तों के पीछे भटक गए थे, वे अपने अधर्म का भार उठाएंगे, परंतु वे मेरे पवित्र स्थान में टहलुए होकर भवन के फाटकों का पहरा देने वाले और भवन के टहलुए रहे, वे होमबलि और मेलबलि के पशु लोगों के लिए बध करे और उनकी सेवा टहल करने को उनके सामने खड़े हुआ करे, क्योंकि इस्राएल के घराने की सेवा टहल वे उनकी मूर्तों के सामने करते थे और उनके ठोकर खाने और अधर्म में फंसने का कारण हो गए थे। इस कारण मैंने उनके विषय में शपथ खाई है कि वे अपने अधर्म का भार उठाए। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, वे मेरे समीप न आए और न मेरे लिए याजक का काम करे, और न मेरी किसी पवित्र वस्तु व किसी परम पवित्र वस्तु को छूने पाए। वे अपनी लज्जा का और जो घृणित काम उन्होंने किए उनका भी भार उठाए, तो भी मैं उन्हें भवन में की सौंपी हुई वस्तुओं का रक्षक ठहराऊंगा। उसमें सेवा का जितना काम हो और जो कुछ उसमें करना हो, उसके करने वाले वे ही होंगे। फिर लेवीय याजक जो सदोक की संतान है और जिन्होंने उस समय मेरे पवित्र स्थान की रक्षा की जब इस्राएली मेरे पास से भटक गए थे, वे मेरी सेवा टहल करने को मेरे समीप आया करे और मुझे चर्बी और लोहू चढ़ाने को मेरे सन्मुख खड़े हुआ करे। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, वे मेरे पवित्र स्थान में आया करे और मेरी मेज के पास मेरी सेवा टहल करने को आए और मेरी वस्तुओं की रक्षा करे, और जब वे भीतरी आंगन के फाटकों से होकर जाया करे, तब सन के वस्त्र पहने हुए जाए, और जब वे भीतरी आंगन के फाटकों में व उसके भीतर सेवा टहल करते हो, तब कुछ ऊन के वस्त्र न पहने। वे सिर पर सन की सुंदर टोपियां पहने और कमर में सन की जांघिया बांधे हो। किसी ऐसे कपड़े से वे कमर न बांधे जिससे पसीना होता है, और जब वे बाहरी आंगन में लोगों के पास निकले, तब जो वस्त्र पहने हुए वे सेवा टहल करते थे उन्हें उतारकर और पवित्र कोठरियों में रखकर दूसरे वस्त्र पहने, जिससे लोग उनके वस्त्रों के कारण पवित्र न ठहरे। और
न तो वे सिर मुंडवाए और बाल लंबे होने दे, वे केवल अपने बाल कटाए, और भीतरी आंगन में जाने के समय कोई याजक दाखमधु न पिए, वे विधवा व छोड़ी हुई स्त्री को ब्याह न ले, केवल इस्राएल के घराने के वंश में से कुवारी व ऐसी विधवा ब्याह ले जो किसी याजक की स्त्री हुई हो, वे मेरी प्रजा को पवित्र अपवित्र का भेद सिखाए और शुद्ध अशुद्ध का अंतर बताए, और जब कोई मुकदमा हो तब न्याय करने को भी वे ही बैठे, और मेरे नियमों के अनुसार न्याय करे। मेरे सब नियत पर्वों के विषय भी वे मेरी व्यवस्था और विधियां पालन करे, और मेरे विश्राम दिनों को पवित्र माने। वे किसी मनुष्य की लोथ के पास न जाए कि अशुद्ध हो जाए, केवल माता पिता, बेटे बेटी, भाई और ऐसी बहन की लोथ के कारण जिसका विवाह न हुआ हो वे अपने को अशुद्ध कर सकते हैं, और जब वे अशुद्ध हो जाए तब उनके लिए 7 दिन गिने जाए और तब वे शुद्ध ठहरे, और जिस दिन वे पवित्र स्थान अर्थात भीतरी आंगन में सेवा टहल करने को फिर प्रवेश करे उस दिन अपने लिए पाप बलि चढ़ाए। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, और उनका एक ही निज भाग हो अर्थात उनका भाग मैं ही हूं। तुम उन्हें इस्राएल के बीच कुछ ऐसी भूमि न देना जो उनकी निज हो, उनकी निज भूमि मैं ही हूं। वे अन्न बलि, पाप बलि और दोष बलि खाया करे, और इस्राएल में जो वस्तु अर्पण की जाए वह उनको मिला करे, और सब प्रकार की सबसे पहली उपज और सब प्रकार की उठाई हुई वस्तु जो तुम उठाकर चढ़ाओ याजकों को मिला करे, और नए अन्न का पहला गूंधा हुआ आटा भी याजक को दिया करना, जिससे तुम लोगों के घर में आशीष हो। जो कुछ अपने आप मरे व फाड़ा गया हो, चाहे पक्षी हो या पशु, उसका मांस याजक न खाए।